Hello friends, welcome back. I hope all are doing well. So this is requested video from one of my subscriber Rohit Ferro Tech Limited share के बारे में जानना चाहते हैं. Friends, ये share 7th April 2022 से suspend है. 325 करोड़ डूबे हैं लोगों के. तो friends, कभी भी किसी share में investment करें तो fundamentals, debt और share holding pattern चाहिए. और अगर ऐसी कोई news आती है तो profit booking करके या loss booking करके भी निकल जाएगी. So management भी कुछ revert नहीं कर रहा है share के बारे में. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या हुआ है. Friends, इनका 7th April 2022 से ये share suspend है, trading बंद है. Reason है CIRP. डेप्ट ज़्यादा था उसके रीज़न से. जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स थे उन्होंने तो रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया. अब देखिए दिसंबर 2020 के बाद से तो इनका रिजल्ट भी नहीं आया. सो इन्होंने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव कर दिया और अब चला गया कोर्ट के केस में. NCLT कोलकाता ब्रांच में इनका रेजोल्यूशन प्लान का केस चल रहा है. केस में क्या हो रहा है, क्या हियरिंग डेट है, मैनेजमेंट कुछ भी रिवर्ट नहीं कर रहा. तो आप तो अब समझिए कि आपके पैसे डूब चुके हैं. देखिए 2017 में 335 करोड़ का लॉस, उसके बाद 338 करोड़ का लॉस, 278 करोड़ का लॉस, 2020 में 679 करोड़ का लॉस. तो फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा लॉस और आपने ऐसे शेयर में क्यों इन्वेस्टमेंट करा. तो पैसे तो डूबने ही थे. सो अब आप समझिए, क्योंकि कोई अपडेट नहीं कर रहा, मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर रहा, कोर्ट हियरिंग में क्या हुआ है कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा ऑफिशियली. बिकॉज अदर कंपनीज जो होती है प्रॉपरली हियरिंग की डेट, हियरिंग में क्या हुआ, रेजोल्यूशन प्लान अभी पेंडिंग है या नहीं, एनुअल जर्नल मीटिंग, कोई तो इन्फॉर्मेशन दे. आप इस शेयर को फ्रेंड्स डीलिस्ट ही समझिए और अपने आपके पैसे लॉस हो गए हैं यही समझ के चलिए. क्योंकि 7th अप्रैल से आज बहुत ज़्यादा मंथ हो चुके हैं और कोई अपडेट नहीं है. मैनेजमेंट की तरफ से कोई अपडेट नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे जितने प्रमोटर्स थे उनके पैसे भी डूबे 28%, और जो इनके प्रमोटर थे 72% उनके पैसे भी डूबे, और जो पब्लिक थी 28% उनके पैसे भी डूबे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ये शेयर. अब आप इसको डीलिस्ट समझ सकते हैं. कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट डीलिस्ट की है तो नहीं, बट कुछ हियरिंग का अपडेट भी नहीं है और बहुत टाइम हो चुका है. सो आई थिंक वीडियो आपको अच्छी लगी हो. कोई नेक्स्ट अपडेट अगर आएगा तो मैं ज़रूर दूंगी, बट कोई अपडेट आ ही नहीं रहा, कोई अपडेट डिस्क्लोज ही नहीं कर रहा मैनेजमेंट. बट इनका कोलकाता ब्रांच में NCLT में केस चल रहा है. केस क्लोज हुआ या नहीं ये भी कोई इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने नहीं दी. थैंक यू सो मच.